In last three lecture, we have studied about photon, quantum theory of light, photoelectric effect and de Broglie matter wave. Today in lecture number 4, we are going to start what is pair production, Compton effect and deviation and Germer experiment. यहां से स्टार्ट करते हैं अपन. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, फिर भी इसके बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं थोड़ा. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, एक मेटालिक एटॉमिक टारगेट पे एक फोटोन आके फॉल करता है और फोटोन के आने से यहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके बाहर निकलता है, मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सफिशियंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नेक्स्ट, अगर मैं कॉम्प्टन इफेक्ट का फिनोमेना देखूं, इसमें भी एक फोटोन आता है, इस टारगेट पे फॉल करता है फोटोन, इस फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और साथ साथ में ये फोटोन भी अपने पाथ से स्कैटर हो जाता है, डेविएट हो जाता है. यहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन आया तो कंप्लीटली एनिहिलेट हो जाता है, पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, फोटोन गायब हो जाता है. लेकिन कॉम्प्टन इफेक्ट में यह फोटोन आया और इस फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी हुआ और फोटोन अपनी थोड़ी सी एनर्जी को कम करके स्कैटर और डेविएट होकर बाहर निकल जाता है. अगर इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ है लैम्डा आई, तो स्कैटर्ड एंड डेविएटेड फोटोन का वेवलेंथ होगा लैम्डा एफ, वेयर लैम्डा एफ इज ग्रेटर देन लैम्डा आई. किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इंसिडेंट का या डेविएटेड का, स्कैटर्ड का? स्कैटर्ड का वेवलेंथ ज्यादा होगा और इंसिडेंट का वेवलेंथ कम होगा. वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी लूज कर गया हुआ, और जितनी एनर्जी लूज की उसी एनर्जी का यहां से उसी काइनेटिक एनर्जी के बराबर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है. राइट, नेक्स्ट, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है. पेयर प्रोडक्शन में फिर से फोटोन आता है और यह फोटोन एटॉमिक टारगेट पे फॉल करता है और यहां से निकलता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इसलिए इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन. यहां पे फिर से फोटोन गायब हो जाता है, यहां भी फोटोन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में गायब हो गया था, लेकिन यहां पे जो फोटोन है वो डिस्कैटर्ड होकर बाहर निकल गया. अब इस तीनों ही फिनोमेना में ध्यान से देखें तो इनिशियल कंडीशन सेम है. फोटोन एटम पे फॉल करा, फोटोन टारगेट एटम पे फॉल करा, यहाँ पे फोटोन टारगेट एटम पे फॉल करा, लेकिन यहाँ पे फोटोन के आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन गायब. यहाँ पे फोटोन के आने से फोटोन स्कैटर्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ. यू कैन से कॉम्प्टन इफेक्ट इज पार्शियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. यस, कॉम्प्टन इफेक्ट इज अ पार्शियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. राइट, एंड पेयर प्रोडक्शन में फोटोन आया, यहां से फोटोन गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकला. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इनिशियल कंडीशन अगर तीनों का सेम है तो फाइनल रिजल्ट डिफरेंट क्यों है? क्या मैंने यहां पे मेटल डिफरेंट लिया, टारगेट डिफरेंट लिया? नहीं, टारगेट सेम लिया है. क्या मैंने फोटोन ही लिया? हाँ, मैंने फोटोन ही लिया है. जब इनिशियल कंडीशन सिचुएशन सारी चीजें सेम है तो रिजल्ट डिफरेंट क्यों आ रहा है? और रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है मतलब कुछ तो फर्क होगा. और यस, फर्क होता है. किस चीज का फर्क होता है तो सुनो ध्यान से. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें जो फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन का जो एनर्जी दिया होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसका एक फिक्स ऑर्डर होता है. देखना 99% क्वेश्चन पे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है उसमें जो फोटॉन्स की एनर्जी विजिबल लाइट के रेंज में होती है, यहां पे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कराते हैं उसमें जो फोटोन की एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में आता है. कभी तुमने ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने सवाल करा है क्या कि 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है? नहीं, करा ही नहीं होगा. जाके देख लो, एक बार नोटिस करके देखो. मतलब यह कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल लाइट से ही होता है, कि एक्सरे से नहीं होगा. एक्सरे से ज्यादा एनर्जी होगी तो होगा. यहां पे देखो पार्शियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन जब एक्सरे से कराओगे ना, अगर फोटोन की एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, अगर फोटोन की एनर्जी 1 keV के ऑर्डर में है, यहां पे फोटोन की एनर्जी किसके ऑर्डर में था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में. अगर ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में हो जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है और ये फोटोन स्कैटर्ड होकर डेविएट होकर वो भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये फोटोन ज्यादा हाईली एनर्जेटिक था. और सेम सिचुएशन रखते हुए अगर मैं फोटोन की एनर्जी, देखना ढंग से बेटा, अगर मैं फोटोन की एनर्जी 1 MeV के ऑर्डर में कर दूं और एग्जैक्टली ये होता है 1.02 MeV. आपसे पूछते हैं कि पेयर प्रोडक्शन कराने के लिए जो फोटोन हमें चाहिए उस फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1.02 MeV. तो बड़ा आसान हो गया कि ये विजिबल लाइट के रेंज में अगर फोटोन होगा तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफेक्ट होगा. अगर वो एक्सरे में चला जाता है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए
एक्सरे का जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी 1 keV के ऑर्डर में होता है, और अगर मैं गामा रे की बात करूं तो गामा रे का जो फोटोन होता है वो 1 mev के ऑर्डर में होता है। तो मतलब ये पेयर प्रोडक्शन कराने के लिए कोई सा भी फोटोन चलेगा कि हाईली एनर्जेटिक गामा रे का फोटोन चलेगा। याद रखना है आपको कि पेयर प्रोडक्शन सिर्फ हाईली एनर्जेटिक गामा रे के फोटोन से होता है, राइट। कॉम्प्टन इफेक्ट के लिए कौन सा फोटोन चाहिए? सिर्फ एक्सरे का फोटोन ही कॉम्प्टन इफेक्ट करा सकता है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन सा फोटोन चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको फोटोन चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, राइट। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो भी कोई इशू नहीं है। क्लियर है ये बात? अब आइए हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एनालिसिस हम कर चुके हैं, कॉम्प्टन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले इसको पॉज करके लिख लेना बेटा अच्छे से। सबसे पहले देखो स्क्रीन पीछे चले जाओ, पॉज करो, लिख लो, फिर समझ लो, है ना। देखो आगे, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्टन इफेक्ट पे, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो उस पर डिस्कस कर चुके हैं। अभी डिस्कस करेंगे हम कॉम्प्टन इफेक्ट पे, फिर हम बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन के बारे में। क्लियर है बेटा? अब आओ कॉम्प्टन इफेक्ट देखो क्या होता है। एक इंसिडेंट फोटोन अपने एक्स एक्सिस की तरफ अपने रास्ते पे चल रहा है। अगर ये एटम नहीं होता तो ये अपने पाथ पे सीधा इस तरीके से जाता रहता, ये अपने इस पाथ पे जाता रहता, लेकिन सामने एटम के आने से वो एटम से इंटरेक्ट करा। आप कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं पर रखा हुआ है, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से फोटोन आया, ये आपका ऐसे गामा से ही फोटोन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोटोन आया और ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, ये फोटोन अपने पाथ से थीटा एंगल पे या फाई एंगल पे डेविएट हो गया और इलेक्ट्रॉन यहां से कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्टन इफेक्ट के फेनोमेना को एटम टारगेट ना लेके सीधा ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करा और इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने के बाद वो स्कैटर हो गया, डेविएट हो गया फोटोन और इलेक्ट्रॉन को ये धक्का देके कुछ एंगल पे इधर भेज दिया। क्योंकि कोई सा भी फेनोमेना हो, चाहे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या पेयर प्रोडक्शन हो या डेविएशन एट जर्मर हो या कॉम्प्टन इफेक्ट हो, टोटल एनर्जी लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन आगे चला जाए और फोटोन इधर चला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था और फोटोन आगे चल रहा था, तो लीनियर मोमेंटम कहाँ था? आगे की तरफ। और जब ये इंट्रैक्शन होगा तो भी लीनियर मोमेंटम आगे की तरफ रहना चाहिए, इसलिए फोटोन थोड़ा ऊपर जाएगा। ये पार्टिकल की कोलिजन की तरह ही कॉम्प्टन इफेक्ट होता है। कॉम्प्टन इफेक्ट किसको प्रूफ करता है? पार्टिकल नेचर को या वेव नेचर को? तो ये पार्टिकल नेचर को, फोटोन के पार्टिकल नेचर को प्रूफ करता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्टन इफेक्ट प्रूफ्स पार्टिकल नेचर ऑफ व्हाट? पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। तो राइट, देखिए यहाँ पे टोटल एनर्जी लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इन कंजर्व्ड इन ऑल फेनोमेना, इन ऑल फेनोमेना भी सारे कंजर्व रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्प्टन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में पार्टिकल की तरह बैठा था, यहाँ पे फोटोन पार्टिकल की तरह इंट्रैक्ट किया, एक पार्टिकल ऊपर चला गया, एक पार्टिकल नीचे चला गया, क्योंकि वाई और एक्स दोनों में ही लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने चाहिए थे। बहुत आसान बात है। अब देखो, लॉस्ट एनर्जी जो हुआ है, यहां पे जो फोटोन की वेवलेंथ होगी लेमडा एफ और जो यहां पे फोटोन की वेवलेंथ है लेमडा आई, लेमडा एफ ज्यादा होगा, तो जो लेमडा एफ माइनस लेमडा आई, जो डेल्टा लेमडा है, उसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्टन शिफ्ट, क्योंकि ये कॉम्प्टन एक्सपेरिमेंट में फोटोन के वेवलेंथ में चेंज आया, इसलिए इसको कहते हैं हम कॉम्प्टन शिफ्ट। फोटोन स्कैटर्ड, देखो फोटोन स्कैटर्ड बाय एन एंगल फाई इन अ कॉम्प्टन इफेक्ट, देखो ये फाई एंगल से स्कैटर हुआ इन अ कॉम्प्टन इफेक्ट, देन लेमडा एफ इज ग्रेटर देन लेमडा आई, वेंस लेमडा डेल्टा लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल इज कॉल्ड डेल्टा लेमडा इज कॉल्ड कॉम्प्टन शिफ्ट। और जो चेंज इन वेवलेंथ है वो कॉम्प्टन शिफ्ट है, और वेवलेंथ चेंज होने से एनर्जी जो चेंज हुई है, तो जितना लॉस इन एनर्जी है फोटोन का, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, तो लॉस्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉम्प्टन शिफ्ट। बढ़िया से बेटा इसको पॉज करिए और सारा कुछ लिखिए, सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है। फोटोन एक्सरे का होना चाहिए, लिख चुके हैं, तो ये लिखिए। डेल्टा लेमडा को कॉम्प्टन शिफ्ट कहते हैं। प्रूफ्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये भी दूसरा डायग्राम है, ये इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्टन इफेक्ट है, ये भी और ये भी। ये एटम से टकराएगा तो भी तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हुए इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा और खुद स्कैटर हो जाएगा, या रेस में रखे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो भी यहाँ पे पार्टिकल की तरह कोलिजन होगा। क्लियर है ये बात? अब आगे देखिए,
यहां से एक्सपेरिमेंटली जो कॉम्पटन ने कॉम्पटन शिफ्ट में फॉर्मूला ड्राइव करा, वो फॉर्मूला क्या था उसको देखते हैं अपन। चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव किया उन्होंने। चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा ध्यान से। उसने बोला कि जो डेल्टा लैम्डा है चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है शिफ्ट इन वेवलेंथ, इसको कह सकते हैं आप लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, इज इक्वल टू एच बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू सी। और ये डायमेंशनली बिल्कुल सही है, अब वेरीफाई कर सकते हैं। इनटू वन माइनस कॉस फाई, वेर कॉस फाई इज स्कैटर्ड एंगल, जितने एंगल पे हो डेविएटेड एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन फाई एंगल पे डेविएट किया, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, एच बटा एमई सी। इस एच बटा एमई सी को ध्यान से देखेंगे तो एच है प्लैंक कॉन्स्टेंट, एमई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकते हैं एमई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सारी चीजें एब्सोल्यूट कॉन्स्टेंट है। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो ये कैलकुलेट करके आता है 2.23 पिकोमीटर, या आपको याद रख लेना है 1 माइनस कॉस फाई, ये आ गया। अब यहां पे अगर अपन केस वन डिस्कस करें, केस वन में ये एज्यूम करें कि फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब फोटोन सीधा ही निकल गया, डेविएशन एंगल 0 डिग्री है। इफ डेविएशन एंगल इज 0 डिग्री, देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फाई इज 0, कॉस फाई 0 तो क्या होगा 1, 1 माइनस 1 क्या जाएगा 0, हेंस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन से असल में इंटरेक्ट करा ही नहीं, अगर इंटरेक्ट करता तो थोड़ा डेविएट होता, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भागता। नेक्स्ट केस टू, केस टू, अगर फोटोन एग्जैक्टली 90 डिग्री पे स्कैटर हो गया तो जो डेल्टा लैम्डा होगा वो कितना होगा, तो 90 डिग्री तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा लैम्डा 2.23 पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब समझते हैं 10 to the power minus 12। केस थ्री, इफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये हुआ कि फोटोन ऐसे आया और इंटरेक्ट करके एग्जैक्टली पीछे चला गया, तो ये डेविएशन होगा 180 डिग्री का। इफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.23, 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4.46 पिकोमीटर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बेटा, माइनस ऑफ माइनस 1 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई दिस, तो ये जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू है ये मैक्सिमम पॉसिबल शिफ्ट है। मैक्सिमम पॉसिबल शिफ्ट कब होगा, 180 डिग्री पे। एम्स में एक सवाल पूछा था, इफ फोटोन इन अ कॉम्पटन इफेक्ट, इफ फोटोन इज डेविएटेड बाय द एंगल, डेविएटेड बाय द एंगल 87.5 डिग्री, देन फाइंड कॉम्पटन शिफ्ट, देन फाइंड कॉम्पटन शिफ्ट, देन फाइंड कॉम्पटन शिफ्ट। अब 87.5 तो आपको नहीं लग रहा टेंस टू 90 है, और कॉस टेंस टू 90 में कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, एग्जैक्टली कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो कॉस 87.5 की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी, एकदम 0 के पास होगी, तो ये 0 के पास होगी तो 1 में से सबट्रैक्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जो डेल्टा लैम्डा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2.23 पिकोमीटर, ये केस नंबर 2 हो जाएगा। और ये पूछा हुआ सवाल है एम्स का, ये पूछा हुआ सवाल किसका है, एम्स का। क्लियर है बेटा, इसको पॉज करके अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट इज, अच्छे से इसको पूरी बात है ढंग से लिखिए। नेक्स्ट इज पेयर प्रोडक्शन। अब ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच फोटॉन्स इंटरैक्ट विद एटम, देन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज क्रिएटेड, और इन अ वैक्यूम अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, इन अ वैक्यूम अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस टू फोटॉन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, टू फोटॉन्स इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर। देखो एक फोटोन है प्लस एक फोटोन इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर, देन वहां से क्या इमिट होता है, एक प्रोटॉन क्या फॉर्म होता है, एक प्रोटॉन पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन और ये क्या है पॉजिट्रॉन। यहां पे ये समझिएगा, दिस इज नॉट अ प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल of electron which have same mass as electron, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, but charge is equal to opposite the charge of electron, plus ही के बराबर होगा।
मतलब पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है बट उसका चार्ज, इसका प्लस माइनस ही चार्ज है तो इसका क्या चार्ज हो जाता है, प्लस ही। ठीक है बेटा। और दूसरा एक और यहाँ पे अपने पेयर प्रोडक्शन बताया था कि फोटोन आके अगर एटम से इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, तो ढंग से समझिएगा क्या टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। कभी कभी लिख देते हैं मास प्लस एनर्जी, अरे मास प्लस एनर्जी इज नथिंग बट अ टोटल एनर्जी। क्या टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, बिल्कुल होगा। क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, बिल्कुल होगा। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, बिल्कुल होगा। क्या चार्ज कंजर्व होगा, बिल्कुल होगा। चार्ज, ये चार फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कंजर्व रहती है। चार्ज, टोटल एनर्जी, मास प्लस एनर्जी, मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज कंजर्व होगा। क्या नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व होगा, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इज नेवर कंजर्व्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो दो फोटोन मिलकर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बन गए तो दो फोटोन तो कम हो गए ना। नंबर ऑफ फोटोन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कंजर्व नहीं रहता है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, बट नंबर ऑफ फोटोन इज नेवर कंजर्व्ड। राइट, याद रखना है। क्या मास कंजर्व होगा, नहीं। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो सिर्फ मास कंजर्व नहीं रहेगा, क्या रहेगा कंजर्व, मास प्लस एनर्जी, टोटल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें रहेंगी कंजर्व। क्लियर बात है। अब यहां से आपसे पूछेगा कि एक सिचुएशन देगा कि टू फोटोन, पॉज करके लिख लेना बेटा, टू फोटॉन्स इंट्रैक्ट विच इधर इच अदर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, देन फाइंड मिनिमम एनर्जी ऑफ इच फोटोन, फाइंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इच फोटोन, इच फोटोन, मिनिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ इच फोटोन बताओ। तो देखो बेटा, यहां पे एनर्जी कंजर्व होगा, तो एक फोटोन की एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप, एस सी बाई लैम्डा, प्लस दूसरे फोटोन की एनर्जी को क्या लिख सकते हो आप, एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू। यहां पे एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हुआ, तो पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी, मैं आइडियल सिचुएशन लेता हूं कि जस्ट क्रिएट हुआ, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, है ना। ये आया, दो इंट्रैक्ट करा, दो फोटोन के इंट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जस्ट फॉर्म ही हुआ। आइडियल कंडीशन मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी नहीं किया, जस्ट फॉर्म हुआ, तो इसका रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, जो था ही नहीं जो पैदा ले लिया, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी एम ई सी स्क्वायर प्लस एम ई सी स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी। यहां से भी आएगा 2sc बाय लैम्डा और ये होगा बेटा 2mec स्क्वायर। बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 का फैक्टर एक बार भूल जाते हैं लिखना। देखो बेटा, दो फोटोन इंट्रैक्ट करके बनाए हैं यहां पे, इसलिए 2 का फैक्टर यहां पे आएगा, क्योंकि 2 फोटोन इंट्रैक्ट्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। यहां से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एससी बटा एम ई इन टू सी स्क्वायर, ये है वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। और यहां से नेक्स्ट इज डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाई द क्रिस्टल सर्फेस। जब यहां पर निकल क्रिस्टल लिया हमने, इलेक्ट्रॉन बीम यहां से रिफ्लेक्ट होकर डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जॉर्व होता है इलेक्ट्रॉन बीम का। हेंस डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द मैटर वेव और इलेक्ट्रॉन वेव। डेविएशन एंड जर्मर डिमोन्स्ट्रेटेड हिज एक्सपेरिमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन वेव इन 1926 एंड सेपरेटली जेपी थॉम्सन ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेटेड द सेम एक्सपेरिमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अ मैटर वेव इन द 1927। जेपी थॉम्सन एंड डेविएशन जर्मर कंबाइनली अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द मैटर वेव इन 1937। 1937 में मैटर वेव को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए जेपी थॉम्सन एंड डेविएशन जर्मर को नोबेल प्राइज मिला था। आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ जेपी थॉम्सन इज जे थॉम्सन ऑल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वाज द फादर ऑफ जेपी थॉम्सन, मतलब फादर गेट नोबेल प्राइज फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिज सन जेपी थॉम्सन आल्सो गेट नोबेल प्राइज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंस होल थॉम्सन फैमिली इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फादर को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के लिए एंड सन को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को वेरीफाई करने के लिए। देखिए, डेविएशन एंड जर्मर एंड थॉम्सन ने कंबाइनली जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाया। इस इलेक्ट्रॉन गन से
डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा है, ये इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेट करा है कैथोड रे। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कैथोड रे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया इस सरफेस से, टारगेट सरफेस से, यहां पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, ये निकल का, ये देखो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, यहां से डिफरेंट प्लेन से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होके यहां पे जब आया तो यहां पे सर्कुलर शेप में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया था जो कि इलेक्ट्रॉन के नंबर को काउंट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। यह है इसका स्कैटरिंग एंगल फाई, फाई इज अ स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, ये है एटम और इस एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और यहां से एक प्लेन बनता है एटम्स का, इस डिस्टेंस को कहते हैं डी को इंटर प्लेनर स्पेसिंग। तो निकेल के केस में जो इंटर प्लेनर स्पेसिंग होता है वो होता है 0.9 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में, ठीक है। अब जब यहां से डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जब इस मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन इस एटम से इंटरेक्ट करके रिफ्लेक्ट हुआ, अब जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो अगर ये का पार्टिकल की तरह रिफ्लेक्ट होता तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी पार्टिकल जब रिफ्लेक्ट होता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता, और न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर सर्कुलर शेप में घूम के इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है, इसमें गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट डिफ्लेक्शन शो करके बताता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए होंगे, तो उसको एक फिक्स एंगल पे ही इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होना चाहिए और दूसरे एंगल पे, उस फिक्स एंगल पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट होना चाहिए क्योंकि फिक्स एंगल पे इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर आएगा, और डिफरेंट 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 एंगल पे इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए था, जीरो। लेकिन डिवेसन एंड जर्मन ने ऑब्जर्व किया कि जब यह डिटेक्टर घूम रहा था तो 24 वोल्ट डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे, जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब मैंने काउंट किया था तो एक ऐसा एंगल आता है 50 डिग्री, मतलब मान लो यहां पे फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, इस स्कैटरिंग एंगल पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व होता है, और उससे एंगल कम रखता हूं, उससे ज्यादा एंगल पे भी, इसको पॉज करके लिख लेना, उससे ज्यादा एंगल पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम मिला। तो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली समझिए, वर्सेस फाई, फाई मतलब स्कैटरिंग एंगल के बीच में जब ग्राफ बनाया हमने, ये रहा आई वर्सेस फाई, वेयर इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड एट द पोटेंशियल 54 वोल्ट। एग्जैक्टली हमने किस वोल्ट पे ऑब्जर्व किया था, 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पे जो पीक मिलता है ना यहां पे वो साफ पीक मिलता है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे थोड़ा सा फ्लैट पीक मिला। तो हमने एग्जैक्टली देखा कि 54 वोल्ट पे जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया था तो यहां पे जो पीक मिला था वो शार्प पीक मिला था ऐसा, और ये जो पीक मिला था वो स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री पे मिला था, मतलब 50 डिग्री पे यहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मैक्सिमम हुआ, मतलब यहां से जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसका इंटरफेरेंस हो रहा है और उस इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां पे बन रहा है, तो यहां पे मैक्सिमा मिल रहा है कितने एंगल पे, 50 डिग्री पे। तो ये बात आपको याद रखना है नीट के हिसाब से और आईटी के हिसाब से, यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको नहीं दिखाना, आपको दो बातें याद रखना है। डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो मैटर वेव को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है, मैटर वेव मतलब एक मैटर का इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन शो करता है, लाइट का डिफ्रैक्शन तो हमने सुना था लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस किसी वेव का ही हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, क्लियर है बात ये। तो देखो, और दूसरी बात आपको यह याद होना चाहिए कि यहां पे एक्सपेरिमेंट में पीक कब मिला था, किस पोटेंशियल पे जब इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट कराया था तो 54 वोल्ट पे, बाकी पोटेंशियल पे जो पीक था वो फ्लैट था, शार्प पीक 54 वोल्ट पे जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया तो मिला, और एग्जैक्टली कितने एंगल पे मिला, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री पे मिला, ये है आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग, यहां पे पीक मिलता है। और जब थोड़ा सा कम करोगे एंगल, थोड़ा सा 50 डिग्री से कम करोगे एंगल तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा तो इधर थोड़ा और कम होगा, और 50 डिग्री की तरफ आओगे तो मैक्सिमा बढ़ता जाएगा, एग्जैक्टली मैक्सिमा कहां मिल रहा है, 50 डिग्री, फिर इधर आओगे तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो, जब यहां से डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, ये यहां से रिफ्लेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ब्रैग्स लॉ कहता है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, जहां पे d क्या है, 2d
टू इंटू डी इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये दो प्लेन के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो है डी, और ये जो इंसिडेंट बीम है वो इसके प्लेन से, इंटरप्लेन से जितना एंगल बनाता है वो है ये थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू वेवलेंथ ऑफ बीम, जो बीम का वेवलेंथ होगा वो लैम्डा आ गया, क्लियर है। अब फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एन इज इक्वल टू वन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, वन, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं टू, डी की वैल्यू रखेंगे 0.91 इंटू साइन, क्या 50 डिग्री रख दूं यहां पे, नहीं, यहां पे देखो ये इंटर प्लेनर प्लेन से, ये प्लेन से जो एंगल बना रहा होगा इंसिडेंट बीम वो एंगल है ये थीटा, तो यहां पे प्लेन ये रहा आपका क्रिस्टल का प्लेन, इस प्लेन से जो एंगल बन रहा है वो ये है थीटा, और स्कैटरिंग एंगल है ये फाई, तो ग्लांसिंग एंगल कितना होगा ये थीटा, तो ढंग से देखो ये जो प्लेन है यहां से ये भी एंगल होगा थीटा, ये भी एंगल होगा थीटा, तो ये थीटा और थीटा क्या हो गया टू थीटा, और जहां पे पीक मिल रहा हो कितने डिग्री पे मिल रहा है 50 डिग्री पे, तो एक इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं टू थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे वो हमें कैलकुलेट करना है, क्या फाई पता है, हाँ फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो जब ये फाई को 50 डिग्री पुट करोगे तो 180 माइनस 50 क्या हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 2 इज दैट इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा आ जाएगा आपका 65 डिग्री, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे 65 डिग्री रख देंगे आप इज इक्वल टू लैम्डा रख देंगे, स्कैटरिंग एंगल ये फाई अपने को पता चल गया। अब यहां से जब हमने देखा इसको कैलकुलेट किया, साइन 65 डिग्री की वैल्यू निकाल लिया 2 एंड 0.91, इसको आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं, तो साइन 60 की वैल्यू रख दोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो लेमडा कैलकुलेट करके आया वो आया 1.65 एंगस्ट्रम, चलो ठीक है भाई, 1.65 एंगस्ट्रम का एक इलेक्ट्रॉन बीम जब आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन 50 डिग्री पे होगा, स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री पे होगा, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और इलेक्ट्रॉन का जो बीम था जिसका डिफ्रैक्शन हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ इतना होना चाहिए, कैसे, एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया था ये पीक 50 डिग्री, और अगर मैं थ्योरेटिकली डिब्रोगली वेवलेंथ के कंसेप्ट से, क्योंकि मैटर वेव का कंसेप्ट दिया था डिब्रोगली ने और उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था डेविएशन जर्मर एंड जेपी थॉम्सन ने, आपको बता जेपी थॉम्सन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली, और इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किसने किया था, फादर ऑफ जेपी थॉम्सन इज जेजे थॉम्सन, तो जेजे थॉम्सन को भी नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के लिए, और जेपी थॉम्सन को भी नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इन्वेंशन करने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया था, 54 वोल्ट से जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया था, तो लैम्डा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट भी, याद करिए सर हमने तो ये पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2mke को लिखूंगा क्यू डेल्टा भी, तो बेटा ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एच की वैल्यू क्यू की वैल्यू रख दोगे तो ये बनता है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, ये मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंसेप्ट में बताया था आपको। तो यहां से 12.27 और कितने वोल्ट से एक्सेलरेट कराया था तो इलेक्ट्रॉन बीम बना था, उस इलेक्ट्रॉन बीम का मैक्सिमम कितने डिग्री पे मिला था 50 डिग्री पे, उस 50 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जब ब्रैग सॉ लगाया तो हमें थ्योरेटिकली सॉरी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इतना मिला था, लेकिन डी ब्रोगली के थ्योरेटिकल कंसेप्ट से जब 54 वोल्ट पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मैं एक्सेलरेट कराऊं तो थ्योरेटिकली उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा 12.27 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय रूट अंडर 54, तो ये निकल के आया 1.66 एंगस्ट्रम। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप 54 वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हो तो वो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंसेप्ट से जो मैटर वेवलेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 1.66 एंगस्ट्रम, और डेविएशन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में जो वही इलेक्ट्रॉन वेव जब निकेल से रिफ्लेक्ट होके डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा था उस डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए जब ने ब्रैग्स लॉ लगाया तो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली जो उसका वेवलेंथ आया था वो आया था 1.66 एंगस्ट्रम, सॉरी 1.65 एंगस्ट्रम, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट और डी ब्रोगली का थ्योरेटिकल कंसेप्ट एग्जैक्टली मैच कर गया 1.65 और 1.66, मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट डी ब्रोगली का थ्योरेटिकल कंसेप्ट इज वेरी मच कंसिस्टेंट विथ डेविएशन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, मतलब एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ किया जो थ्योरेटिकली पहले ही डी ब्रोगली ने बताया था, हेंस इलेक्ट्रॉन इज अ वेव,
लेकिन डी ब्रॉगली ने बताया था कि किसी भी मैटर के पास दोनों नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को तो पहले भी हम देख चुके हैं, डेविसन एंड जर्मन ने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसमें कितने सारी बात याद रखनी, तो एक तो थ्योरेटिकल बात ये याद रखना है डेविसन जर्मन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर प्रूफ करता है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। ठीक है, कितने वोल्ट पे एक्सीलरेट कराते तो पीक मिलता है, 54 वोल्ट पे एक्सीलरेट कराते तो पीक मिलता है, बाकी किसी पोटेंशियल पे एक्सीलरेट करें तो फ्लैट कर्व में लगता है। ठीक है ना, तो वो डिफ्रैक्शन का जो डोमिनेंट नेचर आता है वो कितने वोल्ट पे आता है, 54 वोल्ट पे, और मैक्सिमा कहां मिलता है, 50 डिग्री पे। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट यू कैन नॉट मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, और यू कैन नॉट मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजिशन एंड मोमेंटम आप मेजर नहीं कर सकते। अगर आप सर्टेनली किसी इलेक्ट्रॉन के पोजिशन को मेजर कर पा रहे हैं तो उस इंस्टेंट पे आप मोमेंटम को डेफिनेटली नहीं बता सकते, उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ एरर आएगा मेजरमेंट में। अगर आप मोमेंटम को सर्टेनली मेजर कर पा रहे हैं तो पोजिशन अनसर्टेन होगा, पोजिशन के मेजरमेंट में एरर आएगा। मतलब एक टाइम पे आप एक ही चीज बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या मोमेंटम। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। हेंस मोमेंटम एंड पोजीशन आर द हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ इच अदर। हाइजेनबर्ग कंजुगेट का मतलब यह है कि पोजीशन मेजर कर पाएंगे तो मोमेंटम मेजर नहीं कर पाएंगे, मोमेंटम मेजर कर पाएंगे तो पोजीशन मेजर नहीं कर पाएंगे, आप साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। हेंस पोजीशन एंड मोमेंटम आर द हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ इच अदर। देखिए, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन वेव बनाया, इस इलेक्ट्रॉन वेव का यह पीक टू पीक ये होगा वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ वेल डिफाइंड है? हाँ, इस इलेक्ट्रॉन वेव का लेमडा इज वेल डिफाइंड, बढ़िया से डिफाइंड है ये, वेल डिफाइंड। हेंस लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा हो जाएगा, एच प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा वेल डिफाइंड है, हेंस मोमेंटम इज आल्सो वेल डिफाइंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं लैम्डा इज इक्वल टू पी, वेवलेंथ एंड मोमेंटम इज वेल डिफाइंड, बट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफाइंड, पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव देखेंगे तो हर जगह पे एम्पलीट्यूड सिमेट्रिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डेफिनेट नहीं है, मतलब अनसर्टेन नहीं है। तो अनसर्टेनिटी इसमें क्या हो जाएगा, पोजीशन में हाई, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, बट डेल्टा पी इज जीरो, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज जीरो, क्योंकि मोमेंटम सर्टेन है, मोमेंटम वेल डिफाइंड है, मोमेंटम के मेजरमेंट में जो एरर है, अनसर्टेनिटी है, वो जीरो है, तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पे पोजीशन कैसे बताओगे, पोजीशन इज नॉट वेल डिफाइंड। यहां पे देखो तो बेटा, यहां पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड है यहां पे बहुत हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां होगा या नहीं होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई हियर, हेंस पोजीशन इज वेल डिफाइंड, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेल डिफाइंड। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, हेंस एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा, जीरो, एंड डेल्टा पी क्या हो जाएगा, हाई। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लैम्डा इज नॉट वेल डिफाइंड, लैम्डा नॉट वेल डिफाइंड। यहां पे वेवलेंथ कैसे बताओगे, यहां से यहां का वेवलेंथ, यहां से यहां का वेवलेंथ, डिफरेंट 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 पोजिशन पे वेवलेंथ, मतलब लैम्डा इज नॉट वेल डिफाइंड। और अगर लैम्डा डिफाइंड नहीं होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी से मोमेंटम इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस एरर इन द मोमेंटम इज वेरी हाई बट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज वेरी लो, राइट। तो यहां पे हाइजेनबर्ग ने जो कंसेप्चुअली डिफाइंड किया था, इसको मैथमेटिकली उन्होंने एक इक्वेशन दिया, मैथमेटिकली डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के बीच में रिलेशन, पॉज करके इसको लिख लीजिए। वो कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन इन टू अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम इज डेल्टा पी एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो एच बाई फोर पाई के इक्वल और इससे ग्रेटर होगा, वेयर एच बाई टू पाई इज इक्वल टू एच कट। तो यू कैन राइट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू, ये रिलेशन है। अब इससे समझिएगा ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि मैं पोजीशन मेजर कर पा रहा हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स, पोजीशन हमें पता है, तो डेल्टा एक्स में
अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। पोजीशन में, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा एक्स इज द मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। एक्स इज, डेल्टा एक्स नॉट अ पोजीशन, नॉट अ चेंज इन पोजीशन, डेल्टा इज द एरर इन द पोजीशन। अब ऐसे लिख सकते हो, अरे अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, सर्टेन नहीं है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। पोजीशन के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत जीरो है, लो है, मतलब पोजीशन वेल डिफाइंड है। तो डेल्टा पी हो जाएगा यहां से इनफाइनाइट। कैसे सर, डेल्टा एक्स को जीरो रखोगे तो वन अपन जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब मोमेंटम के मेजरमेंट में जो एरर है वो बहुत हाई है, मतलब मोमेंटम इज वेरी मच अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी इज इन्फिनिटी। किसका, मोमेंटम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी है। अगर आप कहो कि डेल्टा पी इज जीरो, अगर मैं कहता हूं डेल्टा पी जीरो मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज जीरो, अनसर्टेनिटी जीरो है मतलब सर्टेन है मोमेंटम, मोमेंटम इज वेल डिफाइंड, पी इज वेल डिफाइंड। डेल्टा पी में जो एरर है, मोमेंटम में जो एरर है, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब एक में एरर जीरो है तो दूसरे के मेजरमेंट में एरर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक के मेजरमेंट में एरर इनफाइनाइट है तो दूसरे के मेजरमेंट में एरर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है ये बात, ये मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया। तो कई बार मेजरमेंट, मोमेंटम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी एरर दिया होगा, पोजीशन के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आपको निकालना होगा। आईटी 2006 एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द हाइजनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी। Here, Heisenberg conjugate of position is momentum. Is the Heisenberg conjugate of momentum is position. मतलब position and momentum is the Heisenberg conjugate of each other. उसी तरीके से, what is the Heisenberg conjugate of energy? अगर आप energy को measure कर पा रहे हो, तो उस instant पे कौन से ऐसे physical quantity आप जिसको measure नहीं कर सकते? तो 2006 तक IIT में जब ये सवाल पूछा था, हम सिर्फ Heisenberg uncertainty के principle को यही पढ़ाते थे 12th में। Energy के Heisenberg अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ाते ही नहीं थे, बट कुछ बच्चों ने यहां पर दिमाग लगाया। अगर ये इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है तो इस तरफ का जो डायमेंशन होगा ये डायमेंशनली इक्वल होगा, बिल्कुल एच कट बाई फोर पाई के डायमेंशन के बराबर होगा। तो उन्होंने सोचा एच अप्लाइंग कॉन्स्टेंट ये डायमेंशन लेस है, तो उन्होंने सोचा ये हाइजनबर्ग कंजुगेट होने का मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी जेड मान लिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच कट बाई टू, वेर एच कट इज प्लैंक कॉन्स्टेंट का वैल्यू है, डायमेंशनल प्लैंक कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। तो यहां से डेल्टा जेड को डायमेंशनली जब कैलकुलेट किया तो अब याद करिए प्लैंक कॉन्स्टेंट का डायमेंशन होता है ई बराबर एच एफ से आप निकाल सकते हैं। तो एनर्जी का जो डायमेंशन हो जाएगा होगा सॉरी प्लैंक कॉन्स्टेंट का जो डायमेंशन होगा जूल बटा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम आ जाएगा, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहां से एच हो जाएगा ई बटा एफ, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम, तो ई इंटू टी। तो ढंग से देखें डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू टी प्लैंक कॉन्स्टेंट का डायमेंशन डिवाइडेड में यहां पे एनर्जी, डेल्टा ई का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगा, एनर्जी से एनर्जी कट गया तो ये टाइम के बराबर आ रहा है। हेंस टाइम इज अ हाइजनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी। यू कैन नॉट मेजर टोटल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड टोटल लाइफ पीरियड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। किसी एक टाइम पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम आपको पता है तो उस इंस्टेंट उसकी एनर्जी नहीं बता सकते, और आप एनर्जी बता सकते हैं तो उसका लाइफ टाइम आपको पता नहीं होगा। तो ये डायमेंशन एनालिसिस करके हमने गेस करा था कि डेल्टा जेड मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा टी। तो हाइजनबर्ग के अकॉर्डिंग, पॉज करके पूरा लिख लो, हाइजनबर्ग के अकॉर्डिंग ये सेक्शन लिखो पहले, हाइजनबर्ग के अकॉर्डिंग एक दूसरा हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल होता है कि यू कैन नॉट मेजर एनर्जी एंड लाइफ पीरियड, मतलब डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन एच कट बाय टू, यू कैन नॉट मेजर एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड टोटल लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियस, एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। और इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो भी मैं आपको बताता हूं, डी के। अगर किसी क्रिस्टल का टोटल एनर्जी आपको पता है, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये सारी बातें आपको पता है, तो आप ये नहीं कर बता सकते कि किस टाइम पे डीके होगा। आप याद करिए रेडियो एक्टिव डीके में टाइम ऑफ डीके कैलकुलेट नहीं करते,
कि इस डीके के कितनी देर बाद दूसरा डीके होगा, एग्जैक्टली पता ही नहीं कर सकते। और जिस इंस्टेंट पे आपको टाइम ऑफ डीके पता चल गया, उस इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी पता नहीं कर सकते, क्योंकि कितना डीके हो जाएगा कब, आपको इसका डेफिनेट रिलेशन आपको पता नहीं है। अब रेडियोएक्टिविटी में क्या कैलकुलेट करते हैं, हाफ लाइफ, सीधा एवरेज हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। किसी टी टाइम पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा ये बात करते हैं। तो किसी टी टाइम पे आप ये तो पता कर ली कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, लेकिन डीके कब हो जाएगा ये आपको रिलेशन पता नहीं होता, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम स्पैन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट मेजर्ड साइमल्टेनियसली। और सिमिलरली पोजिशन एंड मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग यहां होता है, एंगुलर पोजिशन एंड एंगुलर मोमेंटम कैनॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, एच कट बाई टू हो जाएगा। तो ये तीन हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी का रिलेशन आपके सामने है कि यू कैन नॉट मेजर पोजिशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, यू कैन नॉट मेजर एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, एंड यू कैनॉट मेजर एनर्जी एंड टाइम लाइफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। क्लियर है? तो ये तीन हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी के रिलेशन आपको याद होने चाहिए।